मशहूर भोजपुरी एक्ट्रेस और सिंगर अक्षरा सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पुलिस को अक्षरा सिंह की तलाश है और कहा जा रहा है कि अक्षरा सिंह फरार चल रही हैं। पटना के कंकड़बाग में जो अक्षरा सिंह का घर है, वहां पर पुलिस ने एक नोटिस भी चिपकाया है। नोटिस में अक्षरा सिंह को कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा गया। अगर वह हाजिर नहीं होती है तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है। ये पोस्टर वैशाली पुलिस ने चिपकाया है। दरअसल ये मामला साल 2021 का है, जब अक्षरा सिंह बाहुबली मुन्ना शुक्ला के घर कार्यक्रम में शिरकत करने गई थी और वहां फायरिंग का एक वीडियो सामने आया था। नवंबर 2021 में बाहुबली मुन्ना शुक्ला के भतीजे का उपनयन संस्कार हुआ और इसमें अक्षरा सिंह को प्रोग्राम के लिए बुलाया गया था। अक्षरा सिंह के कार्यक्रम में सरेआम फायरिंग की गई। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। इसके बाद पुलिस ने मुन्ना शुक्ला के साथ उनकी पत्नी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह और उनके बॉडीगार्ड के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस केस में मुन्ना शुक्ला समेत अन्य आरोपियों ने तो कोर्ट से जमानत भी ले ली थी, मगर अक्षरा सिंह ने बेल नहीं ली। इस कारण पुलिस ने अब उनके घर पर नोटिस चिपकाया है। ये नोटिस पिछले महीने की 25 तारीख को चस्पा किया गया था। इससे पहले ऐसी खबर आई थी कि कार्यक्रम के दौरान जब फायरिंग हुई थी तो उसी दौरान अक्षरा सिंह नाराज होकर वहां से चली गई थी। हालांकि अब अक्षरा सिंह अगर कोर्ट में पेश नहीं होती है तो फिर आगे की कार्रवाई भी की जाएगी, उनकी गिरफ्तारी या कुर्की हो सकती है। फिलहाल अक्षरा सिंह मुंबई में है, जरूरत पड़ी तो एक टीम वहां भेजी जाएगी। फिलहाल अक्षरा सिंह की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अक्षरा सिंह के वकील का कहना है कि उन्हें सोशल मीडिया से इश्तेहार चिपके जाने की जानकारी मिली। उन्होंने कहा कि अक्षरा सिंह की एंटीसिपेटरी बेल के लिए कोर्ट में आवेदन किया जा चुका है। इस पर 17 नवंबर को सुनवाई होनी है। अक्षरा सिंह एक भोजपुरी की बेहद प्रसिद्ध कलाकार है, वो कोई शातिर अपराधी नहीं है। अक्षरा सिंह उस प्रोग्राम में अपनी कला का प्रदर्शन करने आई थी जिस दौरान हर्ष फायरिंग हुई। वकील ने यह भी कहा कि वो नोटिस के बारे में जानकारी लेंगे और उसके आधार पर ही आगे की कार्रवाई करेंगे। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल ओरिजिनल्स की रिपोर्ट।